Hello everyone, welcome to GPIS. I am Vinay Rajput. Today I am going to discuss our heart and heart की last आज topic है, heart की आज last lecture होगी हृदय पे. और आज हम लोग different disease जो होती है heart की, heart failure क्या है, cardiac arrest क्या है, heart attack क्या होती है, इनकी बात करेंगे. But इससे पहले मैं आपको हार्ट पे कुछ बेसिक चीज़ें और बची हुई हैं जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, वहाँ से थोड़ी चीज़ें और हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग हार्ट की डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है. और बायोलॉजी में मैंने आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें बता दी है. ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, रेस्पिरेटरी सिस्टम बात की, और हम लोग अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं जो कि लास्ट आपका हार्ट पढ़ के कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग लिम्फ की बात करेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम. तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग एक्चुअली थाइमस क्या है, स्प्लीन क्या है, इसकी बात हम लोग एक्चुअली करेंगे कहाँ पे, जब मैं आपको इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा बॉडी की, इम्यून सिस्टम, वहाँ पे बात करेंगे. तो यहाँ से सीधा हम लोग आ जाएंगे कहाँ, सीधा एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे. जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, थाइमस ग्लैंड क्या है, स्प्लीन क्या है, और जितने भी और भी चीज़ें होती हैं, ये हम लोग कवर कर लेंगे कहाँ पे, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, इम्यून सिस्टम में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है. लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, वहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट जो आपको चीज़ें जाननी थी पिछले क्लासेस में, उतना मैंने आपको बताया है हार्ट पे, और इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है जितना मैंने आपको बताया है. कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है. तो अभी स्ट्रोक वॉल्यूम की मैंने पिछली क्लास में बात की थी, स्ट्रोक वॉल्यूम हो चुका है. उसके बाद मैंने कार्डियक आउटपुट और हार्ट आउटपुट की बात की थी, ये भी हो चुका है. स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसी फॉरेस्ट में, और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है. तो आप अगर पहले स्ट्रोक वॉल्यूम के क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने पढ़ाया है, तो उस पर सोचिए, विचार कीजिए कि क्या आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं. नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट कीजिए, यूट्यूब के जो नए वीडियो आ रहे हैं उस पर आप कमेंट करके बताइए कि सर मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, और कर पा रहा हूँ तो वो भी बताइए कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ क्वेश्चन. एमपीपीसी फॉरेस्ट में आया था, स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्वेश्चन आया, ठीक है. आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ट साउंड, हार्ट की साउंड होती है, उसके बाद डिजीज को पढ़ेंगे, ठीक है. तो कार्डियक साइकिल की बात करते हैं. कार्डियक साइकिल क्या होती है एक्चुअली, इसको निकालने के लिए, कार्डियक साइकिल को, आपको पता है कि एक मिनट में हार्ट जो होता है लगभग 72 बार बीट करता है ना, एवरेज 72 बीट्स होती है. तो एक मिनट मतलब 60 सेकेंड में 72 बीट्स, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, या ऐसा करेंगे एक बीट में कितना टाइम लगता है, तो एक बीट में बात करेंगे तो आपका आ जाएगा 60/72, और ये आ जाएगा 0.8 सेकंड. 60/72, 0.8 सेकंड आपका लगेगा, ठीक है ना. तो ये एक बीट का टाइम है, एक बीट का, यही है कार्डियक साइकिल. तो कार्डियक साइकिल में एक बीट में कितना लगता है, 0.8 सेकंड. तो इट इज द टाइम टेकन इन वन बीट. क्या होता है कार्डियक साइकिल, इट इज द टाइम टेकन इन वन बीट, एक बीट में लगने वाला समय ही कार्डियक साइकिल होता है, जो कि 0.8 सेकंड है. अब बात करते हैं कि एक्चुअली हमारे पास हार्ट में क्या है. हमारे पास हार्ट में एट्रियम है, दो एट्रियम, अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें, दो एट्रिया और दो वेंट्रिकल. तो मैंने आपको बताया था कि दो एट्रिया भी है. अगर सिंपल सा एक डायग्राम बताऊं आपको हार्ट का, ठीक है ना, तो एट्रिया वेंट्रिकल, ठीक है. तो ये लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट एट्रिया है. तो ये दो एट्रिया दो वेंट्रिकल. तो इन दोनों की बात करते हैं कि 0.8 सेकेंड कार्डियक साइकिल है, एक बीट होने में कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकेंड. ये अब एट्रिया और वेंट्रिकल की अलग अलग हमें बात करनी पड़ेगी कि कितना किसमें टाइम लग रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो अगर मैं बात करूं एट्रिया या एट्रियल, इसकी बात करूं, तो ये एट्रियल दो भाग में आप पढ़ सकते हैं, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे और जब एट्रिया रिलैक्स कर रहे होंगे. तो उनका समय कितना कितना है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहां आएगा, वेंट्रिकल में आएंगे. जब एट्रिया रिलैक्स करेंगे वो एक फेज होगा, उसके बाद वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो होगा यहां से लंग्स, यहां से पूरी बॉडी में चला जाएगा, और यहां से जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाएगा. तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरे बॉडी में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर कहां चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेट होना है, ऑक्सीजनेशन होना है वहां पर, ठीक है. तो ऑक्सीजनेट होना है ब्लड को. तो एट्रियल की बात करें तो एट्रिया 0.8 सेकंड, हमारा टाइम कितना है, 0.8 सेकंड. अगर मैं बात करूं कि ब्लड सिस्टोल के समय क्या होगा, सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उस समय,
कौन? हमारा एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब एट्रिया रिलैक्स करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिलैक्स भी करेगा, तो रिलैक्स को बोलते हैं डायस्टोल, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो किसमें कितना समय लग रहा है? पूरा समय 0.8 सेकंड है। अगर एट्रिया हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो कितना समय लग रहा है? अगर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसमें लग रहा है 0.1 सेकंड। तो 0.1 सेकंड इसमें लग गया, पूरा 0.8 सेकंड है, तो इसमें कितना लगेगा? 0.7 सेकंड। ये हो गया एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये हो गया। तो ये एट्रिया के बारे में हो गया। अब आते हैं हम लोग वेंट्रिकल की बात करते हैं, कि जब वेंट्रिकल वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड को पंप करेंगे, और वेंट्रिकल फिर रिलैक्स भी करेंगे, तो उनमें कितना लगेगा? एक्चुअली कार्डियक साइकिल एक बीट में, अगर मैं बात करूं तो एक ही बीट में हमारी ये पूरी एक्टिविटी हो रही है। 0.8 सेकंड टाइम है, उसमें हमने देखा कि एट्रिया में क्या कैसे बटा हुआ है टाइम, और वेंट्रिकल को देखना है कि उसमें कैसे टाइम बटा हुआ है, ठीक है? तो उसको नोट करेंगे, क्योंकि डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमें इतना ही जानना है, डिटेल में नहीं जाना है कि यह कैसे प्रोसेस होती है, क्योंकि डिटेल में इसकी जानकारी है। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या एमबीबीएस में जाए तो और डिटेल होती है, बट हमें जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही जानना है। तो 0.8 सेकंड ये बंटवारा ऐसे हो गया टाइम का, ठीक है? अब आते हैं वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात करते हैं। वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। सिस्टोल अगर वेंट्रिकल की बात करें, मतलब कॉन्ट्रेक्शन की बात करें, तो क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन में? वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन में क्या होगा? सिस्टोल में 0.3 सेकंड, इसमें लगता है 0.3 सेकंड, तो 0.8 सेकंड पूरा आपके पास है, 0.8 सेकंड पूरा है, तो इसमें कितना हो जाएगा बचा हुआ टाइम? 0.5 सेकंड। ये है सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे और जब रिलैक्स कर रहे होंगे तो 0.5 सेकंड लगेगा, ठीक है? तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी ब्लड पंप होकर बॉडी में चली जाएगी एओटा के थ्रू। एओटा के थ्रू बताया था मैंने, एओटा लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं, और राइट वेंट्रिकल की जो ब्लड है वो चली जाएगी लंग्स में पल्मोनरी वेंस के थ्रू। कहां चली जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चली जाएगी, ठीक है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चली जाएगी? लंग्स के अंदर चली जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां चली जाएगी? लंग्स के अंदर। यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, और यहां से एओटा के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड चली जाएगी, ठीक है? ये है। तो ये आपको इतना जानना था कार्डियक साइकिल के बारे में। अब आते हैं हम लोग हार्ट साउंड के बारे में, हार्ट की साउंड की बात करते हैं। ये समझ में आ गया ना? लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पंप होगी ब्लड, तो वो चली जाएगी एओटा के थ्रू पूरे बॉडी में, और बॉडी को वो ब्लड मिल जाएगी, उसमें ऑक्सीजन होगा, हमारे बॉडी के सेल्स उसको यूज कर लेंगे। राइट वेंट्रिकल की जो ब्लड है इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड को पंप किया जाएगा कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स में जाएगी, वहां पे वो ऑक्सीजनेट होगी, फिर ऑक्सीजनेट होके फिर वो राइट ऑरिकल में आएगी, राइट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में आएगी, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पंप करेगा, फिर बॉडी में जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसे समझ लो आप, एक्चुअली क्या हो रहा है, पूरे बॉडी से अगर बात करूं तो यहां से एक पाइप आती है, यहां से पाइप आती है। एक पाइप ये है सुपीरियर वेना कैवा, ये पाइप है इंफीरियर वेना कैवा। मैं बता दे रहा हूं, समझ लीजिए इसको। सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड आ रही है, ये ब्लड सुपीरियर वेना कैवा जो है, वेना कैवा सुपीरियर, मैंने बताया था आपको सुपीरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा वो पाइप है जो आपके पूरे सर का जो ब्लड है ना, इस रीजन का ब्लड उसको लेके हार्ट में आती है, ये वाला। इंफीरियर वेना कैवा वो पाइप है, ब्लड वेसल्स है जो नीचे स्पैरो के तरफ से ब्लड को लेके आती है हार्ट की ओर, ये वाली। और ये दोनों मिलते हैं कहाँ पे? ये दोनों आते हैं कहाँ? राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से यहाँ पे आपके पास एक वॉल्व है, मैंने बताया था ट्राइकस्पिड वॉल्व, मैंने बताया था, उससे यहाँ पे आएगी ये इधर राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो पंप करेगा कहाँ? इसको पंप करेगा कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप करेगा लंग्स की ओर। तो ये राइट वेंट्रिकल इसको ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ पे? लंग्स की ओर, और लंग्स में ब्लड जाके ऑक्सीजनेट हो जाएगी। जब लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट हो गई, अगर मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ लंग्स है, और लंग्स क्या है यहाँ पे लंग्स के क्या है एक्चुअली, यहाँ पे एल्विओलाई है। तो यहाँ पे आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होगा आपका? पल्मोनरी आर्टरी, पी ए,
के थ्रू ये ब्लड आएगी लंग्स के अंदर। लंग्स में एल्वियोलाई के पास क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आएगी राइट ऑरिकल में, एक्चुअली लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में आएगी। लेफ्ट ऑरिकल के बाद यहां पे बीच में बताइए क्या है आपके पास, बाइकस्पिड वाल्व है, मैंने बताया था। जो लेक्चर देख रहे होंगे उनको पूरा आइडिया लग रहा होगा। तो ये जो ब्लड यहां से गई है राइट वेंट्रिकल से, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ, वो ब्लड में ऑक्सीजन भर गया, वो ब्लड फिर लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल फिर इसको पंप करेगा इस ब्लड को, और कहां इस ब्लड को, इस ब्लड को पंप करेगा एओटा के थ्रू, AORTA लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, एओटा के थ्रू पंप करेगा पूरे बॉडी में। तो ये कहानी है, पूरे बॉडी से इन दोनों पाइप के माध्यम से आया ब्लड इसमें, फिर यहां आया ब्लड, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड गया लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होने के बाद लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप किया एओटा के थ्रू पूरे बॉडी में। फिर बॉडी में जाएंगे वो ब्लड, हमारे सेल्स उस ब्लड का ऑक्सीजन यूज कर लेंगे, उसके बाद वो ब्लड फिर वापस इस माध्यम से लौट के फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां से फिर आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में, वहां ऑक्सीजनेट होगा, फिर वहां से लेफ्ट ऑरिकल में, फिर वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर यहां से एओटा के थ्रू फिर बॉडी में। ये पूरा है सर्कुलेशन। तो आपको समझ में आ रही है कि एक बार बॉडी से आया यहां, फिर यहां से फिर चला गया लंग्स, फिर लंग्स से फिर आया हार्ट में लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर चला गया बॉडी में। तो एक्चुअली हार्ट में दो बार ब्लड इंटर किया, एक तो पूरे बॉडी से इस साइड में, और दूसरी बार लंग्स से फिर इस साइड में। तो दो बार हमारी ब्लड हार्ट के अंदर एंट्री करती है, इसीलिए हमारी सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन कही जाती है, बिकॉज ब्लड इंटर्स ट्वाइस, ब्लड दो बार इंटर करती है हार्ट के अंदर, इसीलिए हम बोलते हैं कि डबल सर्कुलेशन है। ह्यूमन हार्ट में कौन सा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। एक बार पूरे बॉडी से राइट ऑरिकल में, और एक बार लंग से फिर लेफ्ट ऑरिकल में, दो बार हमारे हार्ट में ब्लड इंटर कर रही है, दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। ये हो गया, एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने बता दी पिछली क्लास में, दैट्स वाई मैंने आपको फास्ट भी समझाया होगा, तो आपको समझ में आएगी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हार्ट साउंड की बात करते हैं, हार्ट साउंड की बात करें तो हार्ट की जो साउंड होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट साउंड कैन बी हेयर्ड बाई स्टेथोस्कोप से आप इसको सुन सकते हैं, और इसको जो बनाया था उनका साइंटिस्ट का नाम था लिनियक ने इसको बनाया था। स्टेथोस्कोप किसने बनाया था, लिनियक ने इसको बनाया था, स्टेथोस्कोप इज मेड बाय लिनियक, ये साइंटिस्ट का नाम है। अब आते हैं पहला हार्ट साउंड की बात करते हैं कि कैसे कैसे होती है कहानी। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज लप या लब भी बोलते हैं, लब, ये पहला हार्ट साउंड है आपकी लब। क्यों हो रहा है ये, विच इज लब क्यों आ रही है, क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। बताया ना, ट्राइकस्पिड वाल्व बताया, बाइकस्पिड वाल्व बताया, तो जब वो क्लोज होते हैं तो क्लोज होने के कारण एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो पहला हार्ट का साउंड होता है, लप लप या लब। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड, अभी बताया था वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, इनके बंद होने के कारण एक आवाज आती है हार्ट के अंदर, लप लप या लब, लब नाम से ये आवाज आती है, ठीक है। ये फर्स्ट हार्ट साउंड हो गया। आते हैं सेकेंड हार्ट साउंड की बात करते हैं। सेकेंड हार्ट साउंड जो होती है, सेकेंड हार्ट साउंड धक धक जो बोलते हैं ना, उसकी जानकारी लीजिए क्या है। सेकेंड हार्ट साउंड क्या है डप, DUPP। सेकेंड हार्ट साउंड होती है डप, और ये डप को जानना है तो डप जो है इसको डप भी बोलते हैं और इसको डब भी बोलते हैं, DUB, डब, डप या डब। तो आ रहा है यहां पे लब डब, लब डब,
धक धक ऐसा नहीं है, सुनाई देती एक्चुअली इस डिवाइस से कैसे, लब डब या लप डप ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आवाज आती है। तो सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। मैंने बताया था एक वाल्व और होती है इनके अलावा, सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी मतलब अर्ध, ल्यूनर मतलब चांद, तो अर्ध चांद जैसा एक वाल्व और होता है उसके कारण होती है। तो सेकेंड हार्ट साउंड इज दिस इज प्रोड्यूस ये क्यों प्रोड्यूस होता है, इज प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व। जब सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज होते हैं तो फिर ये साउंड आती है। सेमी ल्यूनर वाल्व भी एक वाल्व होती है इसके अलावा, इन दोनों के अलावा ये भी एक वाल्व होती है, ठीक है। तो ये हो गया सेमी ल्यूनर वाल्व के क्लोज होने के कारण। अब आते हैं, दो समझ में आ गया, यही मेन है, लब डब यही हार्ट साउंड आती है स्टेथोस्कोप में। धक धक नहीं आता है, वो कहने को होती है धक धक, हाथी कौन सी, ये वाली। तो ये दो मेन हार्ट साउंड है, और भी हार्ट साउंड होती है, हार्ट साउंड तीसरा नंबर भी होता है, थर्ड हार्ट साउंड भी होती है, बट वो 60-70% लोगों में आता है। थर्ड हार्ट साउंड भी होती है, एक और हार्ट साउंड होती है, नॉर्मल बुक्स में नहीं होती है, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा आपको, बट होती है। थर्ड हार्ट साउंड जो होती है वो 60-70% लोगों में सुनाई देती है, और वो इसलिए होता है कि जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड रश करते हैं, तो उसकी एक आवाज आती है, वो थर्ड हार्ट साउंड होता है। और एक फोर्थ हार्ट साउंड भी होती है, चौथे नंबर की हार्ट साउंड भी होती है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसकी भी एक आवाज आती है। 20-30% लोगों में ये आवाज आती है नॉर्मली। तो ये आवाज उतनी है नहीं, ज्यादा लोगों में सुनाई नहीं देती है, इसीलिए हम इसको ज्यादा पढ़ते नहीं है। पहली जो दूसरी है ना, पहला और दूसरा, वो ज्यादा फेमस है, वो लब डब आवाज आती है, ठीक है। और थर्ड हार्ट साउंड जब एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड रश करेगा तब, और फोर्थ हार्ट साउंड जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आती है, बट फोर्थ वाला बहुत कम लोगों में आता है, 20-30% लोगों में आपको ये सुनाई देता है, 20-30% लोगों में ये सुनाई देता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि वाल्व ऑफ हार्ट, हार्ट के जो वाल्व होते हैं ना, ये बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमी ल्यूनर वाल्व, ये डिफेक्टिव हो जाते हैं। समटाइम्स वाल्व ऑफ हार्ट इज डिफेक्टिव, लिखेंगे समटाइम्स वाल्व ऑफ हार्ट इज डिफेक्टिव, खराब हो जाते हैं। तो जब डिफेक्टिव हो जाएंगे तो क्या होगा, एंड इट कॉजेस साउंड कंडीशन इज कॉल्ड, तो इसके कारण एक साउंड कंडीशन आती है, एंड इट कॉजेस साउंड कंडीशन इज कॉल्ड, एक साउंड आती है जब हार्ट के वॉल्व डिफेक्टिव हो जाएंगे, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उस साउंड को, हार्ट मर्मर भी बोल सकते हैं। जब वाल्व हमारे डिफेक्टिव हो जाएंगे तो वही एक साउंड आती है, हार्ट मर्मर, ये डिफेक्टिव वाल्व के कारण आती है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा साउंड है आपकी आती है, ठीक है। तो ये हो गया हार्ट साउंड के बारे में सारी चीजें। अब पूछ रहे होंगे चेंबर ऑफ हार्ट भी बता दो अलग अलग जानवरों में, तो वो हम लोग अगली क्लास में, थोड़ी सी जानकारी 5 मिनट लगेगा वो बता दूंगा। अब हम लोग आते हैं हार्ट के डिजीज पे, ठीक है। हार्ट डिजीज कितने हार्ट डिजीज होते हैं, जैसे पहला है हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी बोल सकते हैं हाइपरटेंशन, दूसरा हाइपोटेंशन, तीसरा अथीरोस्क्लेरोसिस, चौथा आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, पांचवा कार्डाइटिस, छठा कार्डाइटिस, उसके बाद हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, स्टेनोसिस, ये सारे इतने हैं, स्टेनोसिस वगैरह भी होते हैं इसके अंदर में आते हैं। तो ये सारे आपके क्या है, हार्ट के डिजीज हैं जो आपको आना चाहिए, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, और ये सारी चीजें जो आपको जानना है, ठीक है। तो ये हार्ट के क्या है, डिजीज हैं, कार्डाइटिस, कार्डाइटिस, उसके बाद एक और हो जाता है कंडीशन कार्डियोमेगैली, ठीक है। कार्डियोमेगैली भी एक कंडीशन है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक
ऐसी भी चीज आती है एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, उसको भी समझ लो आप, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हार्ट से रिलेटेड है, और हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन ही बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं इन्फार्क्शन, इन्फेक्शन ही है, इन्फेक्शन है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं किसको, हार्ट अटैक को। इन्फेक्शन का मतलब होता है डेड, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इन्फार्क्ट का मतलब होता है डेड करना, ठीक है ना, ये है मतलब। तो ये है इतनी आपकी जो आपको जानना है। अब एक एक करके समझते हैं क्या है। हाइपरटेंशन क्या होता है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो हाइपरटेंशन की बात की जाती है। और ये क्यों बढ़ेगी, आप साल्ट ज्यादा ले रहे हैं, नमक ज्यादा ले रहे हैं तो बढ़ेगा, आप एक्सरसाइज विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बढ़ सकती है हाइपरटेंशन हो सकता है आपको, अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहे हो आप तो हो सकती है, ओबेसिटी मोटापा हो रही है ज्यादा तो हो सकती है आपको, उसके बाद अगर हार्मोन की डिस्टर्बेंस है तो भी हो सकती है आपको ये हाइपरटेंशन। तो हार्मोन होना, ज्यादा डिस्टर्बेंस होना, स्ट्रेस ले रहा हो अननेसेसरी, ओबेसिटी हो रही है तो, साल्ट इंटेक ज्यादा कर लिया तो, ये सारी कंडीशन है आपकी हार्ट अटैक की। और साथ में एक्सरसाइज अगर विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो, ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी आपके हार्ट बीपी के बढ़ने के चांस हैं। और ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो देर ये चांस कि आपकी ब्रेन की जो आर्टरीज होती है वो बहुत नाजुक होती है, वो फट जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि वो ब्रेन में जब अगर आर्टरीज फट जाएंगी ब्लड की तो फिर आपके क्लॉट बनने के चांस होंगे, और फिर जाके कहीं ना कहीं ब्रेन डैमेज की चांस बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये सब कारण होते हैं कि ये चीज़ें हो जाती हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों का, कि बीपी अच्छा नहीं है, बढ़ जाना, बढ़ना और कम होना दोनों गड़बड़ है हार्ट के लिए अपने, और क्या कहते हैं आपके आपके ब्रेन के लिए। क्यों, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं ब्रेन वाली वो बहुत नाजुक होती हैं, वो ब्लड कैपिलरीज फट सकते हैं क्योंकि प्रेशर बढ़ चुका है, हाई ब्लड प्रेशर में बढ़ चुका है, तो ब्रेन में जगह जगह पे क्लॉट बन सकते हैं। अगर जगह जगह पे क्लॉट बनेंगे तो आपके ब्रेन में स्ट्रोक भी हो सकता है, स्ट्रोक, या उसको सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं, CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं या इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं, जब आपके ब्रेन में अलग अलग जगहों पे क्लॉट बन जाएगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक आ जाती है ब्रेन की, ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन है, बीपी का बढ़ना। ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर ये होता है, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के वॉल पे एक्सर्ट किया गया प्रेशर ही ब्लड प्रेशर है। कौन प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ब्लड करेगा। ये होता है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन क्या होता है, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ये होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, मैं एक एक करके बताते जाऊंगा, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो गया। तो दोनों ही सही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस पे, अथीरोस्क्लेरोसिस है ये क्या है, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, फैट और कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण हमारे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाते हैं। जैसे ये कोई ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड मूव कर रही है, लेकिन हमारा क्या होगा कि फैट एंड कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पे डिपॉजिट होने लगती है ब्लड वेसल में, फैट और कोलेस्ट्रॉल क्या है, डिपॉजिट हो रही है, तो क्या हो रहा है, ये ब्लड वेसल नैरो होते जा रहा है। तो ये इसीलिए होता है अथीरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल में फैट या कोलेस्ट्रॉल दोनों डिपॉजिट होने लगते हैं, तो हमारी ब्लड वेसल नैरो होती जा रही है, स्पेस कम हो रहा है ना ब्लड के मूव करने का, तो अथीरोस्क्लेरोसिस ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड वेसल्स, इट इज नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल नैरो हो गया, अथीरोस्क्लेरोसिस, नोट कर लो आप। अब आते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये क्या है, इट इज हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाते हैं। यहां पर बताता हूं मैं, ये आपके ब्लड वेसल्स हैं और ये ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाते हैं, हार्ड हो रहे हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल के वॉल में कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, ब्लड वेसल्स के वॉल में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण ये होता है, और इसके कारण जब ये हार्ड हो जाएंगे तो ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हार्ड हो चुके हैं, जब इलास्टिक खत्म हो जाएगी तो ये वेसल्स रप्चर कर सकते हैं, और जैसे ही रप्चर कर देंगे तो रप्चर होने के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होगा,
हेमोरेज हो जाएगा, हेमोरेज हो जाएगी, इसीलिए देर इज अ चांस कि ये रप्चर कर जाएंगे क्योंकि ये हार्ड हो चुके हैं और ब्लड के प्रेशर को अब नहीं सहेंगे, इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है और देर इज अ चांस कि ये ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाएंगे और रप्चर होने के बाद हेमोरेज की चांस होती है, एक्सेसिव ब्लड लॉस की चांस होती है, ठीक है, आर्टेरियो एस्क्लेरोसिस। समझ में आ गया, आगे चलते हैं दोनों। अब आते हैं कार्डाइटिस। कार्डाइटिस क्या है, ये एक इंफ्लामेशन कंडीशन है। आइटिस की बात करते हैं ना, आइटिस, तो ये इंफ्लामेशन को बताता है। दिस इज इंफ्लामेशन, इंफ्लामेशन ऑफ क्या, हार्ट, इंफ्लामेशन ऑफ हार्ट, हार्ट की इंफ्लामेशन। इंफ्लामेशन का मतलब होता है चार लक्षण, वहां पे जहां भी इन्फ्लामेशन होगा वहां पे रेडनेस हो जाएगी, वहां पे पेन होगा, वहां पे लोकल वार्म्थ, तो वहां पे थोड़ा गरम गरम लगेगा और वहां पे थोड़ी आपको क्या होगी, पेन, रेडनेस और लोकल वार्म्थ के अलावा क्या होगी वहां पे, चौथा कंडीशन क्या होती है इन्फ्लामेशन की, पहला तो हो गया रेडनेस, रेड हो जाना, दूसरा हो गया लोकल वार्म्थ, वहां पे वार्म्थ हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पेन हो जाएगा, पेन, और चौथा जो सिम्टम होती है स्वेलिंग, वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, थोड़ा फूल जाता है। ये चार सिम्टम है इन्फ्लामेशन के, वही हार्ट का इन्फ्लामेशन होता है कार्डाइटिस। आइटिस जहां लगेगा लास्ट में उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन हो गया। आगे चलते हैं, अब आते हैं हार्ट अटैक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समझना है आपको हार्ट अटैक के बारे में। तो हार्ट अटैक क्या है समझेंगे, हार्ट अटैक इसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, इन्फार्क्शन के नाम से भी जानते हैं हार्ट अटैक को, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक। इसमें क्या होता है हार्ट अटैक में, तो हार्ट अटैक में अगर मैं बताऊं तो इसमें बताने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूं हार्ट अटैक है क्या। हार्ट मसल्स आर डैमेज्ड, हार्ट अटैक में क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या हो रहा है, हार्ट अटैक में हार्ट मसल्स आर डैमेज बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई अगर सही मात्रा में ना हो पाए तो फिर हार्ट के मसल्स डाई करने लगते हैं और इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक। तो बोलेंगे क्या, हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जब हार्ट के मसल को सफिशियंट मात्रा में ब्लड सप्लाई ना मिले, यानी कि हार्ट के मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सही मात्रा में, तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के चांस होते हैं, ठीक है ना। तो ये हार्ट अटैक है जो आपको जानना चाहिए। डेथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स, डेथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, इसमें क्या होता है, डेथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, तो कार्डियक मसल फाइबर मतलब कि हार्ट की मसल का डेथ हो जाता है, हार्ट के सेल्स की डेथ होने लगती है। क्यों, क्योंकि अगर आपको अगर ऐसा हुआ कि इसमें डैमेज हो जाते हैं हार्ट मसल्स, डैमेज हो जा रहे हैं, डेथ हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इनको ब्लड सप्लाई उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही है, इसलिए हार्ट के मसल डैमेज हो जा रहे हैं। दिस इज नोन एज हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्यों हो जा रहा है ऐसा, जाहिर सी बात है, अगर आपके हार्ट के जो हार्ट के मसल्स होते हैं, जो भी उनको ब्लड सप्लाई दे रही है, जो भी आर्टरीज उनको ब्लड सप्लाई दे रही हैं, अगर उस आर्टरी में क्लॉट बन जाए तो वो क्लॉट बनने के कारण ब्लड सप्लाई हार्ट के मसल को नहीं पहुंचेगा, और जब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगा तो उस ब्लड से ही ऑक्सीजन पहुंचता है हार्ट को, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमारे हार्ट को क्या हो जाएगी, हमारे हार्ट की जो मसल्स होते हैं वो डेथ होने लगेगी, उनका डेथ हो जाएगा, वो डेड कर जाएंगी, इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट अटैक। अब आते हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इट इज सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, अगर अचानक से आपके हार्ट की धड़कन रुक जाए, दैट इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट, सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, सडन स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, अचानक से आपके दिल की धड़कन रुक जाए, कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इट इज द नथिंग बट इट इज हार्ट मसल्स आर डैमेज्ड बाय एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, हार्ट के मसल डैमेज कर जाते हैं या उनका डेथ हो जाता है ड्यू टू इनएडिक्वेट, सफिशियंट मात्रा में अगर ब्लड उनको नहीं मिलेगी तो वो डेथ कर जाएंगे हार्ट के मसल, क्योंकि ब्लड के माध्यम से उनको ऑक्सीजन मिलने वाला है, अगर ब्लड ही नहीं मिल रही है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब आते हैं हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्या है, कहां गया हार्ट फेलियर, ये है हार्ट फेलियर, ये क्या होता है हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर क्या होता है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड, ये हार्ट की इनएबिलिटी हो चुकी है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशियंट ब्लड सो दैट बॉडी रिक्वायरमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब कि ये हार्ट की इनएबिलिटी हो जाती है, हार्ट सही मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है बॉडी की ओर, ठीक है, तो ये हार्ट
फेलियर के चांस हो जाते हैं। हार्ट फेलियर में क्या होगा, वेयर व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। हार्ट फेलियर में क्या होगा, जब हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड, इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, इफेक्टिवली ये ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, दिस इज हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या है, इट इज द कंडीशन बाई इन विच हार्ट इज नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली, इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। और जब ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाएगा तो हमारे बॉडी की जो डिमांड है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी जो ब्लड उनको चाहिए। तो ये एक कंडीशन है, नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, इतना अमाउंट में ब्लड को वो पंप ही नहीं कर पा रहा है ताकि हमारे बॉडी की डिमांड पूरी हो पाए। तो ये आपकी कंडीशन है हार्ट फेलियर। इसको इस तरीके भी बोल सकते हैं, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप सफिशियंट ब्लड, टू पंप सफिशियंट ब्लड, ब्लड सफिशियंट मात्रा में बॉडी में पंप ही नहीं कर पा रहा है, दिस इज नोन एज हार्ट फेलियर। दिस इज द इनएबिलिटी, हार्ट को पंप करना चाहिए ब्लड को बॉडी की ओर, लेकिन हार्ट सफिशियंट मात्रा में बॉडी की ओर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, दैट इज नोन एज हार्ट फेलियर। ठीक है, और इसलिए भी हो सकता है क्योंकि, अगर ये कंडीशन क्यों हो सकती है, क्योंकि ये भी चांस है कि अगर हार्ट के वॉल्व में कोई प्रॉब्लम आ जाए, हार्ट के वॉल्व में, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि सफिशियंट मात्रा में ये पंप ब्लड को नहीं कर पा रहा है बॉडी की ओर। ठीक है, ये कंडीशन है, तो हमारे बॉडी को सफिशियंट मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये आपको हार्ट के वॉल्व में भी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, अगर ये कंडीशन आ रही है हार्ट के वॉल्व में। ठीक है, अब आते हैं स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या होती है, स्टेनोसिस को समझना है तो इसमें आपको समझना है कि नैरोइंग ऑफ हार्ट वॉल्व, हार्ट के वॉल्व नैरो हो जाते हैं, हार्ट के वॉल्व भी नैरो हो गए, नैरोइंग ऑफ हार्ट वॉल्व। हार्ट के वॉल्व याद है ना, बाइकस्पिड वॉल्व, मिट्रल वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो नैरो हो रहे हैं, ये कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण भी नैरो हो जाते हैं। तो ये होता है स्टेनोसिस, ये स्टेनोसिस होता है कैल्शियम के डिपोजिशन के कारण भी, और इससे हमारी प्रॉब्लम होने लगती है कहीं ना कहीं लंग्स के आसपास में, लंग्स के आसपास में कंजेशन लगने लगता है, फ्लूड रिटेन होने लगते हैं, तो लंग्स के आसपास में कंजेशन होने लगता है स्टेनोसिस के दौरान। ठीक है ना, ये आपका है नैरोइंग ऑफ हार्ट वाल्व। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं, पूरे इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूं बिकॉज रिक्वायर्ड नहीं है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स व्हाई मैं नहीं जा रहा हूं। ठीक है ना, कार्डियोमेगाली क्या है, मेगाली मतलब होता है इनलार्जमेंट, बड़ा होना, इनलार्जमेंट। तो कार्डियोमेगाली, इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, हार्ट की साइज बड़ी हो जाए तो कार्डियोमेगाली बोलते हैं, इट इज इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, हार्ट की साइज बड़ी हो गई। अब आते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है, चेस्ट की पेन, चेस्ट की ओर पेन आती है ना, उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन। इसको लिख दो यहाँ पे, एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट की पेन है, ये चेस्ट में पेन होने लगती है, एंजाइना पेक्टोरिस किसको बोलते हैं, चेस्ट की पेन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो ये पेन जो है चेस्ट रीजन से निकलती है, चेस्ट में पेन होती है, ये पेन चेस्ट रीजन से निकलेगी, आपके लेफ्ट हैंड साइड बाजू की ओर जाएगी और पीछे पीठ की ओर भी जाती है एंजाइना पेक्टोरिस में। ठीक है ना, तो ये पेन जो है फैलती है आपके लेफ्ट आर्म की ओर और उसके बाद आपको बैक पीछे की ओर भी जाता है, ये पेन दर्द होगा और एक्सेसिव स्वेटिंग भी होती है, पसीना भी आता है इस दौरान एंजाइना पेक्टोरिस के दौरान। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि आपको मैंने पूरी चीजें आपको समझा दी है जो आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, कोई चीज छूटा नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, मैंने सारी चीजें बता दिया, एंजाइना पेक्टोरिस लास्ट था, दैट इज हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट फेलियर, जब हमारी बॉडी सफिशियंट, हमारी हार्ट सफिशियंट अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है ताकि हमारे बॉडी की डिमांड पूरी हो पाए। ठीक है, ये तो कंडीशन ये भी हो सकती है कि हार्ट के वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम है, हार्ट के वॉल्व में कुछ प्रॉब्लम है, ये आपको जानना है। हार्ट अटैक में क्या होते हैं, हमारे कार्डियक मसल फाइबर, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो डेड करने लगते हैं बिकॉज उनको सफिशियंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो डेड करने लगते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है ना, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं इन्फेक्शन। तो ये था आज की लेक्चर की लास्ट, जो मैंने आपको बताया, जो कि मेन मुद्दा था हमारे लेक्चर का, हार्ट के डिजीज को समझना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी सी बात हार्ट की चैम्बर की बात कर लूंगा, अलग अलग जानवरों में कितने चैम्बर होते हैं, और उसके बाद हम लोग सीधा एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद। और जितने भी लोगों को ये लेक्चर अच्छा लग रहा है जरूर लाइक करेंगे, लोगों के बीच में शेयर कीजिए, बिकॉज मैं अपने तरफ से जितना भी हो सकता है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे रहा हूँ,
ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप इजीली कर पाएंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर भी दे सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए जो मैं इतना कर रहा हूँ, आप भी इस चैनल के लिए, जेपीआईएस के लिए इतना करें कि लोगों के बीच में ये चैनल्स को फैलाएं और पढ़ते रहें, कमेंट करें, इंटरेक्शन करें मेरे से, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रही है, कहीं डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मैं उस डाउट को भी क्लियर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मैं कमेंट को पढ़ते रहता हूं ताकि किसी का भी डाउट खाली ना जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगेन जय हिंद।